गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले भी हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे कि जिसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कि साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आपको 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप देखें कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर कुछ ध्यान से अगर आप देखें तो आपको एक फॉर्मूला नज़र आएगा। अब फॉर्मूला क्या नज़र आएगा आपको कि आपने प्लस वन क्लास के अंदर देखा था कि जो हमारा साइन टू थीटा का क्या फार्मूला होता था, वहाँ पर 2 tangent theta अपॉन में 1 plus tangent square theta, तो ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह tangent theta पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे पुट x इक्वल टू tangent theta, तो y की वैल्यू चेंज हो गई साइन इनवर्स 2 tangent theta अपॉन में 1 plus tangent square theta। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया साइन 2 theta का फार्मूला, ठीक है, साइन 2 theta। अब आप देखें कि बाहर साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में साइन, ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे, मतलब तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 2 theta। अब आप यहाँ देखें कि जो x था वो हमारा क्या पुट किया था हमने, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, टेंजेंट उधर जाकर चला गया, टेंजेंट इनवर्स x। सो y की वैल्यू अब चेंज हो गई 2 theta, तो थीटा की जगह आ गया टेंजेंट इनवर्स x। तो अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हम जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 upon 1 plus x square। तो आंसर आ गया 2 upon 1 plus x square। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने यहाँ ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर आपने देखना है कि वो किसका फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 minus 3x square। तो स्टूडेंट अब आप इस क्वेश्चन के अंदर भी ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगह टेंजेंट थीटा रख दूँ, देखो ये फार्मूला होता है टेंजेंट 3 theta का, क्या फार्मूला होता है, 3 tangent theta माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 minus 3 tangent square theta। ये फार्मूला आप 11th क्लास के अंदर देख चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अब क्या करूँगा कि इस x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दूँगा, तो पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ताकि आपकी पूरी ब्रैकेट जो है वो टेंजेंट 3 theta की फॉर्म में आ जाए। तो टेंजेंट इनवर्स x की जगह मैंने 3 tangent theta माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 minus 3 tangent square theta। तो अब जो ब्रैकेट है ये चेंज होकर हो गई हमारी टेंजेंट 3 theta। तो टेंजेंट इनवर्स से हमारा टेंजेंट ख़त्म हो गया, तो जस्ट 3 theta आ गया। तो हमें अब थीटा की वैल्यू चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई। थीटा की वैल्यू हम यहाँ स्टार्टिंग से निकालेंगे, x हमारा टेंजेंट थीटा था, तो टेंजेंट उधर चला गया, तो जस्ट थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ पर भी हम थीटा की जगह लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स x। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए हम जस्ट इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, 3 का डेरिवेटिव 3 टेंजेंट इनवर्स का 1 upon 1 plus x square। तो जस्ट आंसर आ गया 3 upon 1 plus x square, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया।
क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें, यहाँ पर भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो स्टूडेंट वाई इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर दिया हुआ है। तो हम इसको ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है कोस 2 थीटा का, अगर अगर हम एक्स की जगह टेंजन थीटा रख दें। ठीक है, तो ये फार्मूला भी प्लस वन क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंस के थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंस के थीटा। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो y की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंस के थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंस के थीटा। तो ब्रैकेट में अब ये फार्मूला बन गया हमारा कोस 2 थीटा का। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, जस्ट 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, क्या निकलेगी, टेंजेंट उधर जाकर चला गया तो टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। और हमें क्या निकालना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव डिफ्रिशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 का 2 और टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं स्टार्टिंग के, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। तो तीनों क्वेश्चनों में हमने x की वैल्यू को पुट किया और ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, फॉर्मूला। और उसके बाद हमने क्या किया, जो थीटा था थीटा को इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि x की फॉर्म में चेंज कर दिया, और उसके बाद जस्ट हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो चलते हैं इसी तरह से और क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी dy by dx निकालना है और y की वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो अब बाहर जो है स्टूडेंट यहाँ पर आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, तो अंदर अब मैं इसमें x की जगह को क्या पुट करूँ। तो देखें बाहर साइन इनवर्स है, तो हम क्या करते हैं इसमें x की जगह हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। तो y की वैल्यू अभी यहाँ से चेंज हो गई, साइन इनवर्स 2, x की जगह हो गया साइन थीटा, स्केयर रूट x की जगह हो गया साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा होता है कोस स्केयर थीटा, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसल आउट हो गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन ख़त्म हो गया, तो जस्ट 2 थीटा, और थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में आपको एक्स साइन थीटा आपने पुट किया था, तो वहाँ से थीटा आपका चेंज हो गया और थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ईजिली बता सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो 2 अपॉन में स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। वन मोर क्वेश्चन करते हैं, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको भी हम करेंगे। यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू दी हुई है सीकेंट इनवर्स अपॉन में ब्रैकेट में 2x स्केयर माइनस 1। अब देखें यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट करूँ कि कोई फार्मूला बन जाए, तो जस्ट आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगह कोस पुट करता हूँ तो ये आ गया 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1, और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा चेंज हो जाएगा, कोस उधर आकर इन्वर्स हो गया, कोस इन्वर्स एक्स। तो लास्ट में थीटा की जगह हम कोस इन्वर्स एक्स रख देंगे। तो स्टूडेंट हमने अभी पुट किया है एक्स की जगह कोस थीटा, तो वाई की वैल्यू चेंज हो गई सेकेंट इन्वर्स 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये जो है ये फार्मूला होता है किसका फार्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो नीचे ये हो गया 1 अपॉन में
कोस टू थीटा। तो वन बाय कोस होता है फॉर्मूला सिकेंड थीटा का, तो मैं इसको सिकेंड टू थीटा लिख लेता हूँ। सिकेंड सिकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, तो जस्ट हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई टू थीटा, और थीटा की जगह स्टूडेंट क्या आएगा स्टार्टिंग में देखें, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया वाई की वैल्यू टू कोस इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन में स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टू अपॉन में स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और पुट करने ज़्यादातर हमने सारे क्वेश्चन जो किए हैं आज वो पुट करने वाले किए हैं, जिसमें हम जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर सिचुएशन के हिसाब से कि मैं क्या पुट करूँ, एक्स की जगह टेंजेंट पुट करूँ, कोस पुट करूँ या साइन पुट करूँ। ठीक है ना, आपने सिचुएशन के हिसाब से पुट करना है ताकि आपका कोई ना कोई फॉर्मूला ब्रैकेट में बन जाए। तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसके बाद मतलब कोशिश ये रहेगी कि जो टर्म अंदर है वही टर्म बाहर। ठीक है, अगर कई बार नहीं भी होता तो आप उसको चेंज कर लेंगे। तो ऐसे हमने कई क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हमने किए थे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, माता पिता का नाम रोशन करते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। जय माता दी।